हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो दिव्यांग साथी के लिए होने वाली है। जो दिव्यांग साथी गरीब है और उनका जो है राशन कार्ड कैसे बनवा सकता है, कि जो है वेबसाइट ओपन हो चुकी है, वो अपना जनसेवा केंद्र पे जाकर राशन कार्ड ऑनलाइन करा ले और अपना राशन कार्ड बनवा ले। दिव्यांग का जो राशन कार्ड होना चाहिए वो अंत्योदय राशन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि अंत्योदय राशन कार्ड में दिव्यांग को काफी लाभ मिल सकते हैं। अगर उसका दिव्यांग राशन कार्ड बन सकता है, अंत्योदय राशन कार्ड बन सकता है, तो उसको जो है एक राशन कार्ड पे 35 केजी राशन मिल जाता है। उसके यूनिट चाहे एक हो या दो हो, तो 35 केजी जो राशन होता है वो बिल्कुल फ्री रहता है, और जो है वो 35 केजी ही मिलेगा चाहे कितने भी यूनिट हो। तो इसको ऑनलाइन कैसे होगा, ये किसी भी जनसेवा केंद्र पे जाके आप इसको ऑनलाइन करा सकते हैं। ऑनलाइन कराने के लिए इसके अंदर कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, तो मैं बताऊं। इसमें सबसे पहले जो दस्तावेज लगेगा, सबसे पहले आधार कार्ड। कोई सी भी सरकारी योजना हो उसमें आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया गया है, तो आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए और एक आपके पास फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो हो, और एक बैंक अकाउंट हो, यानी बैंक खाता संख्या, बैंक पासबुक आपके पास होनी चाहिए, और इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र जो है ये भी जनसेवा केंद्र पे बन जाता है। इलाके का पटवारी हो तो आप उससे जाके बात कर ले, वो भी जो है इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र जो है कागज कम्प्लीट हो जाए, तो आप किसी भी जनसेवा केंद्र पे जाके अपना राशन कार्ड ऑनलाइन करा सकते हैं। और जब ये ऑनलाइन हो जाता है तो जो उसकी स्लिप मिलती है, उसकी स्लिप की फोटो कॉपी करके एक अपने पास रख ले, और जितने भी आप उसमें यूनिट जुड़वाएंगे तो सबके आधार कार्ड लगेंगे। और इसके अंदर अगर आपके पास कोई लेडीज है, फीमेल है, तो उसका जो राशन कार्ड बनेगा, अगर 18 साल से ऊपर को है, तो जो उसमें राशन कार्ड में जो मुखिया होगी वो फीमेल होगी। अगर 18 साल से कम है तो उसमें मुखिया जो है जेंट्स हो सकता है। अगर आपकी शादी हुई है तो उसमें जो मुखिया होगी वो लेडीज होगी। और जो है वो रसीद एक अपने पास रख ले, और जितने यूनिट जुड़वाएंगे आप उसमें आधार कार्ड की कॉपी लगेगी सबकी, और वो जो है अपने राशन डीलर को दे दे। अगर राशन कार्ड डीलर नहीं लेता है, जहाँ भी इसका ऑफिस होता है, ये जो ऑफिस होता है तहसील में होता है ज्यादातर, तो वहाँ पे जो है राशन कार्ड का ऑफिस बनाया गया है, वहाँ पे आप जाके इसको ऑनलाइन करके आप वहाँ पे जमा कर सकते। यंग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वे मॉल को राशन कार्ड खरीद रहे हैं। पेंशन का जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा पेंशन का है। पेंशन जो है 3000 रुपये होनी चाहिए, पर अभी तक 3000 रुपये पेंशन नहीं हुई है, और पेंशन जो 1000 रुपये महीने के हिसाब से ही आ रही है, पर ऐसा होने वाला है कि 1500 रुपये महीना पेंशन हो जाए, मगर अभी तक उसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो कब होएगी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो 1500 रुपये पेंशन होएगी महीने की, वो जो पेंशन आएगी अब जून जुलाई में, उसके बाद अगली बार जो है 1500 रुपये महीने के हिसाब से पेंशन आ सकती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में आए बेल आइकन को भी दबा दें। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। हमारा जो दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल है, 700 फैमिली मेंबर इसमें जुड़ चुके हैं, 700 फैमिली का ये परिवार बन चुका है। तो दोस्तों, जो भी आपके पास दिव्यांग ग्रुप है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब